कोई मैकेनिक फिटिंग के बारे में बताना चाहूँगा मैं, फाइल के बारे में। ये फिटिंग शॉप का एक हस्त औजार है। फाइल या रेती फिटिंग मैकेनिक फिटिंग कार्य करने में आता है। यह हस्त औजार जो भी किसी भी पार्ट्स को जॉब को फिटिंग करने के काम आता है। दो पार्ट्सों को जोड़ने में या फिटिंग करने में कठिनाइयाँ होती हो, उसको फिनिशिंग करके बराबर फिट नहीं होता है तो फाइल के द्वारा खुरिस करके या छोटे छोटे कोणों में फाइलिंग करके फिट किया जाता है, उसे फाइलिंग कहते हैं। जैसे फाइल या रेती के मुख्य भाग ये है, ये एड्ज हैं जो साइड से होता है, लेंथ जो फाइल के ऊपर का भाग होता है, इसी को कहते हैं फाइल लेंथ। उसके बाद है फेस। फेस जैसे कि ये फेस आ गई, हील हील ये रहा, जैसे फाइल का जो बिना कट करे हुए उसको हील कहते हैं, और इसके ऊपर ये नुकुना रहता है उसको टेक कहते हैं, और एक हैंडल लगा हुआ था, ये हैंडल है जो लकड़ी का बना रहता है। उसके बाद फेरुल, जो इसके ऊपर हत्ता फटे नहीं हो करके एक फेरुल स्टील का एक होल रहता है वो लगा रहता है। और आगे का पॉइंट जैसे फाइल का आ जाए, इसको टिप या पॉइंट कहते हैं। टीथ जो इसके ऊपर दांत कटे रहते हैं, दांते कटे रहते हैं जो डबल कट में, जैसे इसमें बहुत प्रकार की फाइलें होती है। हाफ राउंड फाइल है, जैसे राउंड फाइल है, क्रॉस कटिंग फाइल है, जैसे फ्लैट फाइल है। इसी के फाइलिंग करने का अब मैं आपको बता रहा हूँ, फाइलिंग करने का तरीका। और फाइलिंग करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, कभी भी बिना हैंडल की फाइल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए किसी भी जॉब को फाइलिंग करने के लिए, अन्यथा उसकी नुकीली टेप से हाथ घायल हो सकता है, हाथ पे लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कभी भी बिना बिना हैंडल की फाइल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फाइल हैंडल को फाइल में सावधानी पूर्वक टाइट फिट करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि हैंडल फटे नहीं या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ढीला होना चाहिए, खतरनाक भी हो सकता है, लग सकती है हाथ पे एक्सीडेंट हो सकता है। फिनिशिंग करते से हमेशा फाइल की सतह पर सूखा सोप लगा देना चाहिए, इससे फाइल के दांतों में पिनिंग नहीं हो, ताकि वो खुरुसे वो उससे वो फाइल के अंदर दांतों में नहीं घुसे। अंत में सावधानी पूर्वक ब्रश से फाइल को साफ करके आवश्यक, क्योंकि इस समय सो हवा से नमी पकड़कर फाइल में जंग लगने का कारण हो जाता है। फाइल के दांतों को हमेशा साफ रखना चाहिए, अन्यथा उसमें पिनिंग घुस जाने से खरोज भी पैदा होगी। फाइल को ब्रूच से साफ करना चाहिए, बचे कुचे अंश को धातु से निकाल देना चाहिए, और मुलायम धातु की होती है। नई फाइल का पहले मुलायम धातु पर चलाना चाहिए, जैसे पीतल तांबा जहाँ भी संभव हो जाए फाइल जो पहले चौड़ी सतह पर चलाना चाहिए। अगर किसी जॉब पर फाइलिंग करनी हो पहले सतह को शिपिंग करने में हाई स्केल खत्म कर देना चाहिए, अन्यथा फाइल दाँतें बहुत किसी। और आपको बता रहा हूँ अब फाइलिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले कार्य के अनुसार उचित फाइल चुनाव करना चाहिए, जैसे हाफ राउंड फाइल है, जो जिस हिसाब से जॉब को फाइलिंग करनी है उसके हिसाब उचित फाइल का उपयोग करना चाहिए, ना कि जरूरत पड़ी हाफ राउंड के राउंड की फाइल करना, वो नहीं होना चाहिए। धातु की फिनिशिंग प्रकार के अनुसार ग्रेड भी होने चाहिए, जिससे डबल कट है, सिंगल कट है, ट्रेंगुलर फाइल है, उसके हिसाब से ग्रेड के अनुसार इसको फाइल का चयन करना चाहिए। जॉब की साइज के अनुसार उचित साइज हैंडल फिट करना चाहिए, जॉब में फिनिश हो तो उसे वाइस में क्लैपर लगाकर पकड़ना चाहिए, जॉब को वाइस में जहाँ तक हो सके कारीगर की कोहने की ऊंचाई में पकड़े, ताकि वो अपने हाथ और वो एक रहे। जॉब को वाइस में इस प्रकार पकड़े जो अधिक भार न रहे, तथा फाइल वाइस के स्टील जॉब में 6 से 10 mm की ऊंचाई तक बाहर से वाइस में, बाएं पैर को आगे की तरफ सीधा रखें, दाएं पैर 200 से 300 mm इसी प्रकार करीब साइड कोण पर नीचे और रखें, दाएं हाथ में फाइल का हैंडल पकड़े तथा बाएं हाथ को फाइल से टीप के करीब रखें, दाएं एवं बाएं हाथ से समान रूप से दबाव देते हुए फाइल को पीछे और आगे की ओर चलाना चाहिए, ताकि वो एक जैसा फ्रेश हो जाए, फिनिश हो जाए। दाएं बाएं हाथ में समान रूप से दबाव देते हुए फाइल के पीछे आगे और चलाना चाहिए। फाइल को पूरी लंबाई से 35 या 40 स्ट्रोक प्रति मिनट की दर से चलाना चाहिए, ताकि स्पीड भी नहीं हो, अपने प्रति मिनट के हिसाब से 40 या 35 स्ट्रोक के बराबर करना चाहिए। और फाइलिंग करते समय जॉब की सतह के 20
तो उसकी स्क्वायर लेफ या फ्लैट में इसकी जांच करते रहना ताकि टेपर हेपर नहीं हो रहा, ताकि सीधी फाइलिंग हो सके। यही तरीका आपको बता दिया है। और फाइलिंग करते समय वाइस को कठोर जॉब से नहीं टकरानी चाहिए, जॉब जैसे कि आप लोग किसी आगे नहीं टकराने, पीछे नहीं टकरानी चाहिए, लोग कठोर टाइट नहीं होना चाहिए। फाइल में एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना चाहिए, मतलब उसको अलग अलग व्यवस्थित रूप से जहाँ भी रखना हो, अपना वर्कशॉप हो, जहाँ भी रखना हो, साइट में रखना चाहिए, चाप से करना चाहिए। और फाइल इस्तेमाल हथौड़े के सामान नहीं करना चाहिए। फाइल चाहिए उसका पेपर अंदर जाएगा और धातु नहीं गर्म हो जाएगा, इसलिए खत्म हो जाएगा। ओके ओके।